मॉर्निंग चिल्ड्रेन, ऑनलाइन क्लास क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 16 नेशनल सिंबल्स। नेशनल मीन्स क्या होता है? राष्ट्रीय। और सिंबल्स मीन्स सिंबल्स मीन्स प्रतीक, यानी राष्ट्रीय प्रतीक। एवरी फ्री कंट्री हैज सम सिंबल्स फॉर इट रिकॉग्नाइजेशन एंड टू बिंड इट्स पीपल टूगेदर। प्रत्येक स्वतंत्र देश की अपनी मान्यता के लिए और अपने लोगों को एक साथ बांधने के लिए कुछ प्रतीक है। दीज सिंबल्स इंस्पायर्स नेशनलिटिक्स फीलिंग्स इन द कंट्री मैन। ये प्रतीक देशवासियों और राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करते हैं। इंडिया इज ए बिग कंट्री। भारत एक बहुत क्या है? भारत एक बड़ा देश है। इट्स पॉपुलेशन इज सेकंड हाईएस्ट अबाउट 120 करोड़ इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इसमें क्या बताया गया है कि चीन के बाद इसकी आबादी दुनिया में दूसरी लगभग 120 करोड़ है। इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ फॉर मेनी ईयर्स। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री। भारत कई वर्ष तक अंग्रेजों के शासन में था। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? हमारा फ्री हुआ था, यानी आज़ाद हुआ था। नेशनल आवर कंट्री आल्सो हैज इट्स नेशनल सिंबल्स। हमारे देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीक भी है। फर्स्ट क्या है हमारे देश का? देखिए राष्ट्रीय सिंबल्स क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज। अवर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा मीन्स थ्री कलर्स। अवर नेशनल फ्लैग इन ट्रायंगल्स इन शेप। इसमें क्या बताया गया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, और तिरंगा का अर्थ क्या है? तीन रंग। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आकार में कैसा है? ट्रिंकल यानी आयताकार है। द रेटियो ऑफ बर्ड्स द लेंथ इज टू अनुपाते थ्री। इट हैज थ्री कलर्स। सेफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इज द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका आकार अभी आपने हमने आपको क्या बताया कैसा है? आयताकार है। और लंबाई के लिए इसका चौड़ाई का अनुपात कैसे है? 2:3 यानी 2:3 है। इसके तीन रंग हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है। ऑल थ्री बैंड्स आर इक्वल इन प्रॉपर पोर्शंस। देयर इज ए व्हील ऑफ नेवी ब्लू कलर इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड्स। दिस व्हील्स 24 स्पोक्स। इसमें सभी तीन, इसमें क्या हुआ है कि ये आपका कैसे है, सभी तीन बैंड अनुपात के बराबर हैं, और सफ़ेद बैंड में केंद्र में नौसेना के नीले रंग का एक पहिया है, और इस पहिए में 24 क्या है इसके आपके 24 स्पोक्स हैं, यानी 24 प्रवक्ता हैं। ऑल दीज कलर हैव देयर ओन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, यानी सभी इन सभी रंगों का अपना अर्थ और महत्व होता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो राष्ट्रीय ध्वज है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, और तिरंगा का अर्थ क्या होता है कि वो तीन रंग का होता है, और हमारी राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होता है। लंबाई के लिए, इसके लंबाई के लिए चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। इसके तीन रंग होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया, बीच में सफ़ेद, और सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है। सभी तीन बैंड अनुपात के बराबर होते हैं। सफ़ेद बैंड के केंद्र में नौसेना के नीले रंग का एक पहिया बना होता है। इस पहिए में कैसे 24 स्पोक्स होते हैं। फिर इसमें क्या बताया, ऑल दीज कलर्स हैव देयर ओन मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस, यानी इन सभी रंगों का अपना एक अर्थ होता है और महत्व होता है। तो आइए हम देखते हैं इनका क्या अर्थ होता है। फर्स्ट नंबर देखिए, द सेफ्रॉन कलर
स्टैंड्स फॉर सेटिस्फाई। तो इसमें जो आपका भाव जो आपका सेफ्रॉन रंग होता है यानी केसरिया रंग होता है तो वो रंग बलिदान के लिए खड़ा रहता है। फिर सेकंड क्या है, द वाइट कलर स्टैंड प्री पीस एंड ट्रूथ, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। फिर द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर लाइफ फर्टिलिटीज एंड प्रॉपर्स। तो जो आपका हरा रंग होता है वो जीवन उर्वरता और समृद्धि के लिए खड़ा रहता है। व्हील सजेस्ट टू इंस्पायरीज अस टू मूव फॉरवर्ड एंड लीड द नेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर्टी। और इसमें क्या है, जो इसमें भील होता है वो यानी चक्र आगे बढ़ने और राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए सुझाव और प्रेरणा देता है और हमारी प्रकृति और प्रगति और समृद्धि का प्रतीक होता है। ऑन नेशनल फेस्टिवल इट एन होस्टेड विथ ग्रेट हॉनर्स बेन द फ्लैग इज द होस्टेड एंड सल्यूट इन द प्राइम मिनिस्टर द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट द प्रेसिडेंट द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे। त्योहारों पर इसे बहुत सम्मान के साथ फहराया जाता है। जब झंडा फहराया जाता है तो हम उन्हें क्या करते हैं, सलूट करते हैं यानी सलाम करते हैं। और रेड फोर्ट यानी लाल किलो पर स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। We give our utmost respect to it. It should be kept half must during national morning. हम अपना पूरा सम्मान इसे देते हैं और इसे राष्ट्रीय के दौरान आधा मस्तूल रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए आप, नेशनल सॉन्ग। देखिए नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या कहलाता है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद चटर्जी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद चटर्जी ने की थी। इट वाज संग फर्स्ट टाइम द 1869 सेशंस ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस। इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। द नेशनल सॉन्ग हैज स्टेटस विथ नेशनल एंथम, इट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड संग द स्टेटस टाइम। राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत का एक समान दर्जा है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और निर्धारित समय में गाना गाना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेशनल एंथम है यानी राष्ट्र गान। एवरी कंट्री हैज इट नेशनल एंथम, हर देश का राष्ट्रीय गान होता है। जनगणमन इज अवर नेशनल एंथम, जनगणमन हमारा राष्ट्र गान है। अवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय द फेमस पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रगान प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द ट्यूट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। यह 24 जनवरी 1950 को घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था और इसे पहली बार 27 दिसंबर को गाया गया था। इट वाज संग्स फर्स्ट टाइम ऑन दीज आर फाइव जंस इन द सॉन्ग्स बट ओनली फर्स्ट ऑफ द सॉन्ग्स इज एडॉप्ट एज द नेशनल एंथम। द सिंगिंग टाइम ऑफ द फुल वर्सन्स ऑफ द नेशनल एंथम इज 52 सेकंड। टैगोर वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि गाने में 5 श्लोक हैं यानी 5 श्लोक हैं, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में गाने का केवल पहला श्लोक ही अपनाया गया है। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का गायन का समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने सेकंड में लिखा है और टैगोर ने इसके लिए टैगोर को महान पुरस्कार से इनको क्या किया गया था, नवाजा गया था। और जो हमारा नेशनल एंथम है उसे हम कितने उसमें पूरा करते हैं, 52 सेकंड में। राष्ट्र
और इसके लिए इनको क्या दिया गया था, टैगोर जी को पुरस्कार के रूप में इनको नोबल पुरस्कार से क्या किया गया था, नवाजित किया गया था। यानी इस कहानी के लिए इनको क्या मिला था, प्राइज मिली थी नोबल पुरस्कार। नेशनल एंथम इंस्पायर्स द कंट्री मैन टू प्रोटेक्ट एसगार्ड ए मदरलैंड बी रिस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम। राष्ट्रगान देशवासियों को हमारी मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। हम अपने राष्ट्रगान का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। वेयर एवर द नेशनल्स एंथम इज संग इट इज अवर ड्यूटी टू स्टैंड अप एंड जॉइन द दिस स्टैंड एंड एक्शंस वाइल्स सिंगिंग द नेशनल एंथम। जहाँ भी राष्ट्रगान गाना गाया जाता है वहाँ खड़े होकर उसमें शामिल होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार हम राष्ट्रगान गाते समय क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए हमेशा। राष्ट्रगान जहाँ भी सुनाई दे हमें खड़े हो जाना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। फिर क्या है, नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक। इंडिया हैज ए नेशनल सिंबल्स, द नेशनल सिंबल्स इम्बल्म ऑफ इंडिया हैज बी एडॉप्ट फॉर्म द सारनाथ लायल कैपिटल ऑफ अशोका। इट वॉज द एडॉप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑन 26 जनवरी 1950 एट रिपब्लिक डे। भारत में एक राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की राजधानी सारनाथ शहर से अपनाया गया है। यह 26 जनवरी 1950 को सरकार द्वारा अपनाया गया था गणतंत्र दिवस पर। द इम्बल हैज फोर लायंस फेसिंग इन फोर डिफरेंट डायरेक्शन। प्रतीक चार शेरों का सामना चार अलग अलग दिशाओं में करता है। इसमें क्या बना हुआ है, आपके फोर लायंस बने हैं जिनके डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग हैं। बट वी कैन सी ओनली थ्री लायंस एट वन टाइम बिकॉज द फोर्थ वन इज हिडन बिहाइंड द फ्रंट लायंस। और इसमें क्या बताया गया है कि लेकिन हम एक समय में केवल तीन शेर देख सकते हैं क्योंकि चौथा एक सामने वाले शेर कहाँ है, वो पीछे छिपा रहता है। दिस इज व्हील्स बिलो द लायंस, दिस व्हील्स इज ऑल्सो इन द नेशनल फ्लैग। दिस इज ए हॉर्स स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हील एंड द बुल ऑन इट्स राइट साइड। और इसमें क्या बताया गया है कि शेर के नीचे एक पहिया होता है और यह पहिया राष्ट्रीय ध्वज में भी है। पहिए के बाईं ओर एक घोड़ा और दाहिनी ओर एक बैल रहता है। ऑल द सिंबल्स आर मैग्निफिकस फुल द लायंस रिप्रेजेंट्स अवे एनर्जी एंड पावर, द हॉर्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड स्पीड, द बुल्स रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। सभी प्रतीक सार्थक हैं, शेर खौफ तथा प्रतिनिधित्व करता है महिमा और शक्ति का, घोड़ा ऊर्जा और गति का प्रतिनिधित्व करता है, बैल हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। बिलो द व्हील्स सत्यमेव जयते इज रिटन विच मीन्स ट्रूथ बींग्स द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री इज वेरी इम्पॉर्टेंट। पहिए के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जिसका अर्थ है सत्य हमेशा जीतता है और हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। इट रिमेंस द हाई आइडियल्स ऑफ अशोक द ग्रेट, इट इज ए यूज्ड ओनली बाय अवर गवर्नमेंट। यह हमें अशोक महान के उच्च आदर्शों की याद दिलाता है और इसका उपयोग हमारी सरकार द्वारा ही किया जाता है। We can find our national emblem on our currency notes, government papers, postage and government's vehicles. इसका उपयोग हमारी सरकार द्वारा ही किया जाता है। हम अपने मुद्रा नोट, सरकारी कागजात, डाक और अपना राष्ट्रीय प्रतीक पा सकते हैं सरकारी वाहनों में। किस किस चीज़ों में, हम मुद्रा नोट में, सरकारी कागजात, सरकारी वाहन, डाक में अपना राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह पा सकते हैं। फिर देखिए नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु कौन होता है, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेशनल
बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, जो पीकॉक होता है यानी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। फिर नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय फूल, तो लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, कमल हमारा क्या है राष्ट्रीय फूल है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है द कलर ऑफ भील इज फ्लैग, तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर यानी नेवी ब्लू। फिर सेकंड देखिए, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर नेशनल लेंथम बाज रिटन वाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए सेफ्रॉन कलर स्टैंड स्टैंडर्ड्स फॉर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर फोर्थ देखिए रेटियो ऑफ द लेंथ विथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए फाइव हॉर्स रिप्रेजेंट्स, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर बोथ ए एंड बी। फिर देखिए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, फर्स्ट क्या है द मिथिल तिरंगा इज ग्रीन, ये आपका फॉल्स है। अवर नेशनल फ्लावर इज रोज, ये भी आपका फॉल्स है। थर्ड नंबर देखिए द कलर ऑफ व्हील इज नेवी ब्लू, ये आपका थर्ड नंबर ट्रू है। फिर फोर देखिए नेशनल इंडिया हैज बीन एडॉप्ट फॉर्म द सारनाथ लायन, ये आपका ट्रू है। फिर द बुल्स रिप्रेजेंट द स्लो वर्क्स, ये भी आपका फॉल्स है। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका फर्स्ट देखिए आवर नेशनल फ्लैग इज कार्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा तिरंगा हो जाएगा। सेकंड देखिए आवर नेशनल सॉन्ग्स वाज कंपोज्ड बाय, इस सेकंड का आंसर बंकिम चंद चटर्जी हो जाएगा। थर्ड देखिए जनगण मन इज अवर नेशनल एंथम हो जाएगा, थर्ड का आंसर एंथम हो जाएगा। फोर देखिए अवर नेशनल एनिमल इज, फोर का आंसर टाइगर हो जाएगा। फाइव देखिए अवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक, तो फाइव का आंसर क्या हो जाएगा पीकॉक हो जाए। फिर इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल सिम्बल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए पेज नंबर 108 में देखिए इसका आंसर, इब्री फ्री कंट्री से लेके आपका आंसर इसका कहां तक है कंट्री मैन तक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट डू द कलर ऑफ द फ्लैग इंडिकेट, तो इसका आंसर आपका सेकंड का आंसर यहां से है द सेफ्रॉन कलर से लेके कहां तक यहां तक प्रॉस्पर्टीज तक है आपका इसका आंसर। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप व्हाट डज द व्हील ऑफ फ्लैग इंडिकेट, तो इसका आंसर देखिए 108 में देखिए उसी के नीचे सेकंड के नीचे है इसका आंसर, वीर सगेस्ट से लेके आपका कहाँ तक है इसका आंसर प्रॉस्पर्टी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर नंबर व्हाट इज अवर नेशनल एंथम, हु वाज द कंपोजर ऑफ इट, तो इसका आंसर फोर नंबर का देखिए आप यहाँ से एवरी कंट्री हैज इट्स से लेके आपका इसका आंसर कहाँ तक है रविन्द्रनाथ टैगोर तक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन आवर नेशनल एम्ब्लम, तो इसका आंसर आपका कहाँ से है द नेशनल एम्ब्लम से लेके आपका यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन तक है। फिर नेक्स्ट पेज आप देखिए थोड़ा सा इसका आंसर यहाँ से भी है देयर इज ए हॉर्स स्टैंडिंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हील एंड ए बुल ऑन इट्स राइट साइड तक है। ये आपका फिफ्थ का आंसर कंप्लीट और आपका ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।